मेरे अजीजों, खुदामंदों का खुदा, जलाल का बादशाह हर पल हमारे साथ है। वो हमारी फिक्र करता है, हमारी मदद करता है। जगह खा कोई भी क्यों ना हो, वो हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है तो हमें फिक्र किस बात की है। हम चाहे घर में हों या घर से बाहर, खुदामंद कादरे मुतली खुदा हमेशा हमें संभालता है। हम वीराने में हों या जंगल में हों, अगर हम उसके साथ हैं तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। आइए आज एक बार फिर हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 6वां बाब 35वीं आयत से लेके 44 आयत तक। इसमें कुछ यूं लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 100 और 50 50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखी, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और खाने वाले 5,000 मर्द थे। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजो, ये मौजजा एक बहुत अजीम मौजजा है। इसमें मर्दों की तादाद जो है वो 5,000 है, और अगर इनके साथ औरतों को भी लगा लिया जाए, बच्चों को भी, तो ये शायद डबल और ट्रिपल तादाद जो है वो बन सकती है। लेकिन क्या है कि जगह वीरान है, दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है, लोग थके मांदे और भूखे हैं। खुदावंद यीशु अलमसीह उनके साथ है और उसको इन लोगों की फिक्र है कि ये लोग अब भूख से निढाल हैं, इन्हें खाने की जरूरत है। वो अपने शागिर्दों से कहता है कि इन्हें खाने को दो। शागिर्दों ने जवाब दिया कि हमारे पास इतना खाना कहाँ है, ऐ उस्ताद इनको भेज दे ताकि ये जाके नजदीक की बस्तियों में, गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लेकर खा ले, क्योंकि हम तो 200 दिनार की रोटियां भी लाएंगे तो शायद वो भी कम पड़ जाएंगी, वो भी इनके लिए काफी नहीं होंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। जब यीशु मसीह खुद जिंदगी की रोटी है तो वो कैसे उन्हें यहां से भूखा रुखसत कर सकता है? वो कैसे उन्हें कह सकता है कि तुम जाकर रोटियां मोल लो और खाओ और अपना पेट भरो? खुदावंद यीशु ने यह दावा किया था कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं, और जो उसके पास आता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होता। लेकिन ये इंसानी सोच थी शागिर्दों की कि उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें रुखसत कर दे, इन्हें भेज दे ताकि अपने लिए मोल खाना लेकर ये खाएं। खुदावंद यीशु ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम इनको खाने को दो।
उन्होंने कहा, हमारे पास दो मछलियां और पांच रोटियां हैं। खुदावंद ने कहा, ले आओ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पहले से मालूम था कि इनके पास क्या कुछ है। मेरे जीजू कहने को वो पांच रोटियां और दो मछलियां थी, लेकिन खुदावंद खुदा ने जब उस पर बरकत दी तो वो 5,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए काफी हुई और 12 टोकरियां बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई उठाई। हमारे खुदावंद खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ फकत जो कुछ हमारे पास है उसके कदमों में लाने की जरूरत है। तुम्हारे पास क्या है? जो कुछ है ले आओ। देखो मैं उसे कैसे बढ़ाता हूँ। जब यह बात में मूसा को खुदावंद ने दिखाई देकर कहा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी। ठीक है, इस लाठी से तू काम करेगा। इस लाठी को जमीन पर डाल, और उसने जमीन पर डाला और वो सांप बन गई। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसे इस्तेमाल करें। हम इधर उधर के बहाने ना ढूंढते रहे कि हमारे पास कहीं और से आएगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, या वो खुदावंद की नजर करेंगे, या दूसरों की मदद के लिए करेंगे। नहीं, बल्कि जो कुछ हमारे पास है हमें उसी को इस्तेमाल करना है और उसी को खुदावंद के कदमों पर लाना है। क्योंकि खुदावंद खुदा हमारी इहतियाज को, हमारी जरूरत को तरस खाता है। उसे इंसान से मोहब्बत है। वो हमारी कमजोरियों में हमारी शाहसूरी है। जब उसने देखा कि ये भीड़ तो बहुत थकी मांदी हो चुकी है और इनके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो उसे उन पर तरस आता है और वो कहता है कि इनकी जरूरत को पूरा किया जाए, इन्हें दिया जाए, क्योंकि दिन ढल चुका है, रात होने वाली है, ये कहां जाएंगे। और मेरे अजीजों, जब वो रोटी और मछलियां खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लाई गई तो उसने बरकत देकर कहा कि अब इसको बांट दो। और जब उन्होंने बांटा तो बचे हुए टुकड़े उठाए गए जो 12 टोकरियों की सूरत में थे। ये है हमारे खुदावंद जब वो साथ है तो हमें खाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें पीने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बरकत देता है तो जो कुछ हमारे पास होता है वो डबल हो जाता है। वो भूखी जान को शेयर करता है, उन्हें भरता है, आसूदा करता है, ताकि वो अपने जलाल को जाहिर करे। मेरे अजीजों, ये बचे हुए 12 टुकड़े इस चीज के गवाह है, खुदामंदों का खुदा ऐसा बरकत देने वाला खुदा है, उसमें कसरत होती है और हमारी जरूरत से ज्यादा होता है। अब अगर कोई इन बचे हुए टुकड़ों के होते हुए भी कोई भूखा रह जाए तो फिर ये उसका अंत हो सकता है। वो तो हमें भरने के लिए, हमें देने के लिए तैयार है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को ये तो मानते हैं कि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है, वो खुदा का रूह है, लेकिन वो खुदा का बेटा मानने को तैयार नहीं। वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमें सेरो आसूदा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो अगर आज वो नजात से खाली है तो ये उनका कसूर है। हमारे खुदावंद के पास तो जब हम आ जाते हैं वो हमें किसी भी चीज से महरूम नहीं रहने देता।
बल्कि हमारी जरूरतों से बढ़कर हमारे लिए करता है और हमें देता है। तो आइए फिर अपने आप को खुदावंद के कदमों में रख दें और जो कुछ हमारे पास है उसे खुदावंद के कदमों में ले आए। तो फिर देखिए खुदावंद क्या करता है। फकत ईमान रखें। आमीन।